हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो आज हम सिंगल इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं। दोस्तों आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें या फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें, एक ही बात होती है। तो इंट्रोगेटिव हमारा दो तरह का होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। यानी यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहें, एक ही बात होती है। येस नो क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी यही आप इसको ही येस नो क्वेश्चन भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस या नो में होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे हम। देखिए दोस्तों, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहला रूल कहता है, रूल नंबर वन, इफ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इनटू। देखिए दोस्तों, पहला नियम कहता है कि इफ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज गिवन या इफ फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेड टू इनटू। देखिए दोस्तों, सेड या सेड टू यहां पर दोनों बदलते हैं। सेड या सेड टू की जगह हम लिखते हैं दोस्तों आस्क्ड, सेड या सेड टू की जगह हम क्या लिखते हैं दोस्तों, आस्क्ड लिखते हैं, या फिर दोस्तों हम लिख सकते हैं इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, या फिर दोस्तों इसकी जगह हम वांटेड टू नो ये भी लिख सकते हैं। यानी आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके याद रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि बहुत ही सिंपल सा वर्ड है आस्क्ड, आप याद रखिएगा। लेकिन यदि आप इनमें से भी कोई एक लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। तो यहाँ पर दोनों बदलते हैं, सेड भी बदलता है और सेड टू भी बदलता है, इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। रूल नंबर टू पढ़ते हैं। रूल नंबर टू कहता है दोस्तों, बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वी यूज कंजक्शन। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कंजक्शन भी बदल जाएगा। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में सेट का सेड ही रहा था, बदलता नहीं था, सेट टू का टोड लिखा गया था और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वहां पर कंजक्शन दैट लगाया गया था। और यहां पर जब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो यहां पर कंजक्शन दोस्तों इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर में से कोई एक आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा कंजक्शन, इफ या वेदर, इनमें से कोई एक जो भी आपके याद रहता है उसको आप लगा सकते हैं दोस्तों। रूल नंबर थ्री कहता है, आफ्टर यूजिंग द कंजक्शन इफ या वेदर
कंजक्शन का यूज करने के बाद वी मेक द सेंटेंस असर्टिव। यानी कंजक्शन के बाद दोस्तों हम सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखते हैं। इस बात से मतलब क्या है गुरुजी, समझ नहीं आया? बिल्कुल आसानी से आएगा। देखिए यहां पर जैसे ही हम कंजक्शन का यूज कर लेते हैं, यानी जैसे ही हम कंजक्शन इफ लगा देते हैं या वेदर लगा देते हैं, तो इसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलता है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह का सेंटेंस हमें मिलता है दोस्तों। तो जब हमने कंजक्शन लगा दिया है तो कंजक्शन के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं, और क्वेश्चन मार्क जो होता है दोस्तों इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस असर्टिव बन जाता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। तो हमें करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है। ये हमारा रूल नंबर 3 कहता है। रूल नंबर 4 होता है दोस्तों, ऑल द रेस्ट शेष सभी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल्स। शेष सभी पिछले नियमों की तरह होगा दोस्तों। यानी आपको टेंस भी बदलना पड़ेगा, आपको प्रोनाउन भी बदलना पड़ेगा, आपको नियरनेस को फारनेस में बदलना पड़ेगा। यानी पहले सभी नियमों को आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला परिवर्तन सेड या सेट टू का परिवर्तन होता है दोस्तों। तो सेड या सेट टू का परिवर्तन हम करते हैं, सेड या सेट टू की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड या फिर वांटेड टू नो लिखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 2 कहता है कि बाय रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमाज वी यूज कंजक्शन इफ या वेदर। कि इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर हम कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। और तीसरा नियम कहता है दोस्तों कि कंजक्शन को यूज करने के बाद जो सेंटेंस होता है उसको हमें असर्टिव बनाना होता है। असर्टिव कैसे बनता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है कंजक्शन जैसे ही हम लगा लेते हैं तो एकदम से हेल्पिंग वर्ब आएगा, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना है, तब हमारा सेंटेंस असर्टिव बन जाता है दोस्तों। और क्वेश्चन मार्क जो होता है उसको हटा देते हैं, उसकी जगह फुल स्टॉप लगाते हैं। बाकी सभी नियम लगते हैं, टेंस बदलता है, नज़दीकी दूरी बदलती है, प्रोनाउन बदलते हैं। तो आइए दोस्तों इन सभी रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस मैंने कहा, रवि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आर यू हैप्पी। यहां पर देखिएगा दोस्तों ये एक सेंटेंस हमारे पास है। तो यहां पर हमें सबसे पहले पहचान बनाना होता है दोस्तों कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस होता है उसका टाइप को पहचानना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो हमें सेड या सेड टू की जगह क्या लिखना होता है दोस्तों, आस्क्ड लिखते हैं, इंक्वायर्ड लिखते हैं, या फिर हम वांटेड टू नो भी लिख सकते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन लगाया जाता है इफ या वेदर, और इफ या वेदर कंजक्शन के बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। बाकी सभी नियम लगते हैं, टेंस बदलता है, प्रोनाउन बदलता है, नज़दीकी दूरी बदलती है। तो आइए दोस्तों इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट बनेगा दोस्तों, रवि आस्क्ड मी इफ, देखिए दोस्तों सेड या सेड टू की जगह लिख दिया हमने आस्क्ड, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन लगाया हमने इफ। अब कंजक्शन लगाते ही तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ जाता है हमारे सामने। तो इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना होता है दोस्तों, असर्टिव बनाते हैं सेंटेंस को कंजक्शन के बाद। यानी पहले प्रोनाउन लिखना है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है,
और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है किसके अकॉर्डिंग, आपको बताएगा सन 1 2 3, हमने आपको बताया है तो सन 1 2 3 से आप पता कर सकते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी यू को मी के अनुसार बदलना है तो यू को मी के अनुसार बदल करके आई हो जाएगा दोस्तों। गुरु जी समझ नहीं आया तो बिल्कुल आसानी से समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जिसको बदलना होता है यू यू योर, जिसको बदलना होता है उसके तीनों रूप लिखते हैं और जिसके अनुसार बदलना होता है उसके तीनों रूप लिखते हैं, तो मी के तीनों रूप आएंगे आई मी माई, ठीक है दोस्तों। और आप मिलान करिएगा दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में मिलान करना होगा क्योंकि आपको जो बदलना है वो सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का यू जो है हमारा सब्जेक्ट है तो इसलिए सब्जेक्टिव केस में मिलान करेंगे तो यू का बदल करके क्या हो गया है आई हो गया है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, यानी इज एम आर बदलता है वाज वर्ब में तो आई के साथ वॉज लगेगा दोस्तों, यानी प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है तो आई वॉज हैप्पी, और बाद में चूंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव बन चुका है तो ये क्वेश्चन मार्क हट करके यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन चुका है दोस्तों। रवि आस्क्ड मी इफ आई वॉज हैप्पी, और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह मैंने कहा दोस्तों द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हैव यू डन योर वर्क, ये हमारे पास में कोई डायरेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो यहां पर हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा हमारा सेड या सेड टू का परिवर्तन होता है, सेड या सेड टू का हम आस्क लिखते हैं यदि सेंटेंस हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में सेड टू का बदलते हैं आस्क्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों द टीचर आस्क्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे और इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर कंजक्शन लगाएंगे इफ, या वेदर भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो द टीचर आस्क्ड मी इफ, अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाना है, यानी सेंटेंस को कंजक्शन के बाद एसर्टिव बनाते हैं दोस्तों, तो यू को बदलना है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, अभी आपको बताया था तो यू का मी के अनुसार आई हो गया था तो यहाँ पर आई हो जाएगा दोस्तों। फिर हैज हैव हैड में बदलता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है तो यहाँ पर हैड हो जाएगा आई हैड डन, और योर को बदलेंगे दोस्तों तो योर को मी के अनुसार ही बदलेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए योर का बदल करके माई हो जाएगा, तो आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क, बाद में क्वेश्चन मार्क हटाएंगे फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव बना है। और देखिए दोस्तों बिल्कुल समझ आएगा, आसानी से पढ़ते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। माई मदर सेड टू मी, मेरी माता जी ने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास डू यू प्ले चेस, यहां पर देखिएगा दोस्तों माई मदर सेड टू मी, मेरी माता जी ने मुझसे कहा डू यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलते हो, तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा माई मदर आस्क्ड मी इफ, देखिए सेट टू की जगह आस्क लिखना है, इन्वर्टेड कॉमाज की जगह कंजक्शन इफ लगाना है और कंजक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। लेकिन दोस्तों डू या डज डिड ये तीन हेल्पिंग वर्ब यदि आ जाती हैं आप ध्यान रखेंगे डू डज डिड, तो अगर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आती हैं, तो अर्थात दोस्तों सब्जेक्ट के बाद इसको ले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में इसका कोई रोल नहीं रहता है, यानी डू डज डिड हट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करेंगे,
यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई। अब यहां पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा दोस्तों। तो यहां पर आ जाएगा आई प्लेड, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई प्लेड चेस, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे और सेंटेंस हमारा बन चुका है दोस्तों। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई प्लेड चेस। देखिए दोस्तों एक सेंटेंस मैंने कहा द सेज, द सेज सैड कोमा इन्वर्टेड कोमास, विल यू गिव मी समथिंग टू ईट। यहां पर देखिए दोस्तों ये कोई सेंटेंस हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और स्टूडेंट हमेशा गलती करके आते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए द सेज सैड, बदलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा द सेज आस्क्ड, सैड ए सैड टू की जगह हम आस्क लिखते हैं और कंजक्शन इफ लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप वेदर भी लगा सकते हैं, द सेज आस्क्ड इफ। अब जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा, और सब्जेक्ट जो है हमारा यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं जो का त्यों लिख देते हैं, यानी यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो उसको बदलते नहीं हैं, जो का त्यों छोड़ देते हैं, इसलिए वो गलती करते हैं। लेकिन इसको बदलना होता है दोस्तों, यू को छोड़ करके आप कुछ भी बदल दीजिए, यानी यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप ही लिखते हैं या सी लिखते हैं या आई लिखते हैं, कुछ भी लिख दीजिए लेकिन यू नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो द सेज आस्क्ड इफ ही वुड। अब देखें यहां पर विल का क्या हो जाएगा दोस्तों, वुड हो जाएगा। इफ ही वुड गिव, मी को चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा यानी द सेज के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो मी को बदलना है, मैंने आपको बताया है आई मी माई, जिसको बदलना है उसके तीनों रूप लिखते हैं, और जिसके अनुसार बदलना है द सेज को मानेंगे ही, तो ही के तीनों रूप लिखिए ही हिम हिज, और बदलेंगे क्या हो जाएगा मी का हिम हो जाएगा। तो आपको हिम लिखना है, वुड गिव हिम समथिंग टू ईट, बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव बना है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, और मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो आप इसी तरह से ग्रामर को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।